वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसआर ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम मॉलिकुलर बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पीडीएनए के बारे में बात करेंगे। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, वॉटसन क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हम पहले भी जान चुके हैं कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं डीएनए में और वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में बाइंड होती हैं। लेकिन वॉटसन क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था डीएनए के लिए वो बीडीएनए की फॉर्म में दिया था। डीएनए की फॉर्म होती है अलग अलग, एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए और जेडडीएनए। तो उनमें से जो डीएनए की फॉर्म ली थी वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के बारे में जो बात बताने के लिए, वो बीडीएनए को यूज़ किया था। तो 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, प्रपोज किया था मॉडल बी डीएनए का जो कि कॉमन फॉर्म है डीएनए की। तो बी डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो उन्होंने बताई थी वॉटसन क्रिक ने कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं डीएनए की वो एंटी पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए की, तो ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे की, यानी एक की जो डायरेक्शन होगी वो 5' to 3' होगी और दूसरी जो डायरेक्शन होगी वो 3' to 5' होगी इस तरीके से। तो ये दोनों जो थी वो एक दूसरे की एंटी पैरेलल अरेंज होती है, यानी एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। और इसकी वजह से जो शुगर प्रेजेंट होती है सेंटर में वो कॉम्पैक्ट पैकिंग ले लेती है और उनमें शुगर पकरिंग इंटरेक्शन हो जाती है। ये यहाँ पर जो शुगर है इस तरीके से, तो ये शुगर जो है वो भी एंटी पैरेलल हो जाती है और एंटी पैरेलल होने की वजह से उनकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है कि वो आपस में इंटरेक्शन अच्छी तरीके से कर पाते हैं, जिसे शुगर पकरिंग इंटरेक्शन कहते हैं, जो कि वीक वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से प्रेजेंट होती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये 5' to 3' है और ये 3' to 5' है, ठीक है। तो ये जो दो स्ट्रैंड है इनके बीच में जो शुगर प्रेजेंट है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनके अंदर जो इंटरेक्शन होता है, इनकी जो पैकिंग होती है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है, क्योंकि ये सर्कल राइट हैंडेड सर्कल से बाइंड होती हैं। तो इस तरीके से इनमें वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से सुपर पकरिंग इंटरेक्शन हो जाती है और ये अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर ये एंटी पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के, तो एंटी पैरेलल ना होने की वजह से ये जो राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर है और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है, ये आपस में एक जैसे प्रेजेंट होते। अब एक जैसे प्रेजेंट होने की वजह से फिर इनमें सही तरीके से पैकिंग नहीं हो पाती। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका जो बैलेंस है वो इसके बैलेंस से बिल्कुल मैच करेगा और ये आपस में कॉम्पैक्ट पैक हो सकते हैं। तो इसलिए ये अरेंजमेंट काफ़ी फेवरेबल था। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है डीएनए स्ट्रक्चर की, वो ये है कि जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डबल हेलिकल डीएनए में, वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे के, यानी प्यूरीन जितनी होगी प्रिमिडीन भी उतनी ही होगी। जैसे स्ट्रक्चर में अगर वन साइड नाइट्रोजन बेस प्यूरीन है तो अदर साइड नाइट्रोजन बेस जो होगा प्रिमिडीन, वो बिल्कुल बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ प्यूरीन ज़्यादा हो एक तरफ प्रिमिडीन ज़्यादा हो, यानी बैलेंस बना के रखा जाता है प्यूरीन और प्रिमिडीन्स का। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो डायमीटर होता है बी डी एन ए का वो 20 angstrom का होता है। ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ये जो डायमीटर है वो 20 angstrom का है, यानी जो वॉटसन क्रिक के मॉडल में बताया गया था डी एन ए के बारे में, बी डी एन ए के बारे में, उसका टोटल जो डायमीटर है वो 20 angstrom है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, फिर इसका रेडियस जो होगा वो 10 angstrom का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि जो डीएनए होता है वो वर्टिकल राइज पर टर्न 34 angstrom का होता है, यानी कि एक डीएनए में जो टर्न होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो जो डीएनए है वो वन टर्न कंप्लीट कर रहा है। अब एक टर्न जो है वो 34 angstrom का होता है, यानी इसको जो साइज बताया था वॉटसन क्रिक ने, वन टर्न जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वन टर्न नहीं है,
वन टर्न कंप्लीट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप कभी भी एक थ्रेड को रोटेट करके देख लीजिएगा, जब उसके जो टर्न है वो कंप्लीट होगा तो वो इस तरीके से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हाफ टर्न है, और यहाँ से यहाँ तक हाफ टर्न है, और ये पूरा मिला के हो जाएगा वन टर्न। तो वॉटसन क्रिक के मॉडल के हिसाब से जो वन हेलिकल टर्न कंप्लीट होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में उन्होंने बताई थी कि वर्टिकल राइज पर बेस पेयर जो डीएनए में है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम पे है। अब यहाँ पर जो बेस पेयर हैं वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, और टोटल हेलिकल टर्न जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो इस हिसाब से हमें ये पता लग सकता है कि जो वन टर्न है उसमें टोटल कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। तो वॉटसन एंड क्रिक ने तो बताया था कि टोटल जो बेस पेयर है वो 10 प्रेजेंट थे, काउंटिंग अगर की जाए तो यहाँ पर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक टर्न में, यानी इस एक टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं वो, लेकिन बैकबोन में है, टोटल 10 प्रेजेंट होंगे। और इससे भी पता लगा सकते हैं कि एक बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 बेस पेयर के बीच में टोटल करेंगे 3.4 × 10 तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी इससे भी हम हिसाब लगा सकते हैं कि अगर एक के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है तो 10 के बीच में कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो ये सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताया था कि द हेलिकल टर्न इन डीएनए इज राइट हैंडेड। अब ये जो कॉइलिंग हो रही है डीएनए की, वो कॉइलिंग राइट हैंड की तरफ कॉइलिंग हो गई है। राइट हैंडेड मतलब ये कॉइलिंग जो है वो इस तरीके से कॉइल होगी, या क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, और अगर लेफ्ट हैंडेड होता तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है इस तरीके से। आगे चल के देख लेंगे वो किस तरीके से होता है। और दूसरी प्रॉपर्टीज बताई थी कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग प्रेजेंट होती है डीएनए में, यानी डीएनए को अगर नॉर्मल स्टेट में रख दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होती है, यानी इसमें जो टेंशन होती है वो नेगेटिव होती है। देखिए इस यहाँ पर डीएनए की कुछ फॉर्म है, जैसे जो नॉर्मल और स्टैंडर्ड डीएनए जो लिया था वो बी डीएनए लिया था, तो बी डीएनए इस तरीके का था। ये यहाँ पर इसको अपर व्यूज में दिखाया है डीएनए का, और ये ए डीएनए की फॉर्म है और ये जेड डीएनए की फॉर्म है। तो डीएनए की काफ़ी अलग अलग फॉर्म होती हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, और ये एरो जो है वो दिखा रहे हैं कि ये राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड है लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं अलग अलग ए डीएनए की, बी डीएनए की और जेड डीएनए की। जो डीएनए बी डीएनए वॉटसन क्रिक ने लिया था उसमें हमें पता है कि 10 बेस पेयर वन टर्न में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो बी डी एन ए होता है। और दूसरी बात, बी डी एन ए में राइट हैंडेड कन्फर्मेशन होती है, यानी जो उसकी कॉइलिंग होती है वो राइट हैंडेड होती है। देखिए इस तरीके से होती है राइट हैंडेड। अगर हम अपने हैंड को देखें तो यहाँ पर जो कॉइलिंग जो हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, राइट हैंडेड क्लॉकवाइज बोल सकते हैं या फिर, और लेफ्ट हैंडेड जो है वो इस तरीके से होती है लेफ्ट साइड में। अगर हम बी डीएनए को ए डीएनए से कंपेयर करें तो इसमें डिफरेंस बस यही है कि ए डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं वो टोटल 11 प्रेजेंट होते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी राइट हैंडेड ही कंफर्मेशन है। जेड डीएनए में क्या डिफरेंस है, जेड डीएनए जो होता है वो जिगजैग फॉर्म में होता है, ये देखिए जिगजैग फॉर्म में होता है, और इसमें टोटल बेस पेयर एक टर्न में जो प्रेजेंट होते हैं वो 12 प्रेजेंट होते हैं। और एक और बात है, जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। तो यही सारे डिफरेंस है। अगर हम बी डीएनए की बात करें तो बी डीएनए में वन टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, ए डीएनए की बात करें तो ए डीएनए में 11 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और जेड डीएनए की बात करें तो इसमें 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं वन टर्न में। दूसरा क्या डिफरेंस है, बी डीएनए राइट हैंडेड कॉइल होता है, ए डीएनए राइट हैंडेड कॉइल होता है, और जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा स्ट्रक्चर। और अगर हम इनको ऊपर से देखें तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, बी डीएनए में बीच में कोई भी सेंटर प्रेजेंट नहीं है, जबकि ए डीएनए में बीच में सेंटर प्रेजेंट होता है, जो बीच में जो है वो हॉलो होता है। हॉलो होने की वजह से सारी की सारी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो साइड वाइज प्रेजेंट होती है,
जबकि वी डीएनए में सेंटर में प्रेजेंट होती है। और जेड डीएनए तो जिगजैग होता है, उसमें ना ही सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं ना ही साइड वाइज प्रेजेंट होते हैं, उसमें कम्प्लीटली सर्कल में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ए डीएनए और बी डीएनए को उन्होंने जो लिया था वो बी डीएनए को लिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे चागफ, उन्होंने कुछ रूल बनाए थे और उस रूल का ही यूज़ किया था वॉटसन क्रिक ने अपने मॉडल को बनाने में। तो चागफ ने जो रूल बनाए थे वो उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे पेपर क्रोमेटोग्राफी से और उसके बेसिस पर उन्होंने रूल दिए थे। पहला जो रूल था उनका वो ये था कि प्यूरीन ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडिन, यानी जो डीएनए स्ट्रक्चर है उस डीएनए स्ट्रक्चर में प्यूरीन जितनी भी हैं वो सारी की सारी पिरिमिडिन के बराबर होंगी। और ये बात तो हमने अभी बताया था वॉटसन क्रिक में कि बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी ये वाला जो स्ट्रैंड है और ये वाला जो स्ट्रैंड है एक कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, और इसमें जो इस तरफ अगर प्रिमिडिन प्रेजेंट है तो उसके बराबर में जो प्यूरिन प्रेजेंट है वो सेम होगी। यानी कि अगर हम प्यूरिन और प्रिमिडिन को डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। जैसे कि अगर प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन में क्या क्या आते हैं, एडिनिन और गुआनिन, और प्रिमिडिन में क्या क्या आते हैं, थायमिन और साइटोसिन। ये डीएनए की बात कर रहे हैं हम। तो अगर प्यूरिन और प्रिमिडिन को डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, यानी प्यूरिन बराबर है प्रिमिडिन के एक डीएनए में। दूसरी इन्होंने प्रॉपर्टीज क्या बताई थी कि प्यूरिन और प्रिमिडिन तो बराबर हैं लेकिन प्यूरिन्स के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं एडिनिन वो हमेशा थायमिन के बराबर होते हैं, और जो गुआनिन होते हैं वो हमेशा साइटोसिन के बराबर होते हैं। और ये भी हमें पता है कि एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये इसलिए जो अमाउंट होता है इसका और इसका अमाउंट अलग अलग होता है। और तीसरी प्रॉपर्टीज क्या बताई थी कि एडिनिन और थायमिन को अगर प्लस किया जाए तो वो गुआनिन और साइटोसिन के बराबर नहीं होता है, यानी कि एडिनिन और थायमिन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू गुआनिन और साइटोसिन का। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए गुआनिन और साइटोसिन मोर स्टेबल होता है और इसमें ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है। इसलिए अगर एडिनिन और थायमिन को गुआनिन और साइटोसिन से हम डिवाइड करेंगे तो वो 1 के बराबर नहीं आएगा। ऐसे रिजल्ट कुछ देखे जाते हैं और स्टडीज करने के बाद कुछ रिजल्ट पता चले हैं कि स्पीसीज के बेसिस पर अलग अलग ये मिलते हैं एडिनिन थायमिन और गुआनिन साइटोसिन। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो होता है वो एटी रिच होता है, और इकोलाई या बैक्टीरिया की बात करें तो वो जीसी रिच होते हैं। यानी कि ह्यूमन के जो डीएनए में स्ट्रैंड के अंदर सबसे ज़्यादा बेस पेयर जो मिलेंगे वो एडिनिन और थायमिन के मिलेंगे, जीसी के मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। जबकि बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा जीसी पेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एटी पेयर। तो इससे ये पता चलता है कि एटी पेयर का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड है इसमें हाइड्रोजन के। और जीसी पेयर की बात करें तो जीसी पेयर में कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आते रहे हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि कंसेंट्रेशन ऑफ थायमिन इन ए सैंपल ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज 0.20, तो कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन का कितना होगा, सवाल में पूछा जा रहा है। और इसमें बताया गया है कि थायमिन का जो कंसेंट्रेशन है वो 0.20 है, तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। तो हमें पता है इसमें कि जो थायमिन है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, एडिनिन के साथ, और साइटोसिन जो है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन का, वो किसके साथ बनाता है, गुआनिन के साथ। तो इस क्वेश्चन में थायमिन की वैल्यूज जो है वो दे रखी है 0.20 दी हुई है, थायमिन की वैल्यू 0.20 दी हुई है। तो थायमिन की वैल्यू अगर 0.20 है तो एडिनिन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0.20, और 0.20 मिलाकर कितना हो जाएगा, 0.40। ठीक है, तो 0.40 जो हमें मिला है इस पेयर का मिला हुआ है, तो इसके अपोजिट वाला जो पेयर है वो कितना होगा, वो हम इसमें से माइनस कर लेंगे। टोटल हम मान के चल रहे हैं 100 होता है, ठीक है, तो 100 में से अगर हम 0.40%
परसेंटेज में ले लेंगे, अगर 100% में से 40% माइनस कर दिया जाए तो कितना बचा, 60%। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो कितना हो गया, 60। अब 60 में से भी साइटोसिन का 30 हो जाएगा और ग्वानिन का 30 हो जाएगा। तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन, तो साइटोसिन का कंसेंट्रेशन कुछ कितना रह जाएगा, साइटोसिन का कंसेंट्रेशन जो रह जाएगा टोटल 100 में से कितना परसेंटेज रह जाएगा, 0.30% इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पर बेसिस हैं, चागोफ रूल पर बेसिस हैं। तो चागोफ रूल को हम अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ थायमिन दी हुई है, हमें टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन निकालनी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैविंग 40 ATPR एंड 60 GC। तो यहाँ पर हमें टोटल 80 की वैल्यू दी हुई है और टोटल GC की वैल्यू दी हुई है, यानी 40 जो पेयर हैं वो 80 के हैं और 60 जो पेयर हैं वो GC के हैं। और हमें पता है 80 के बीच में बॉन्ड कितने होते हैं, डबल होते हैं। तो 40 × 2 कर लेंगे, टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 80। वैसे ही GC में 60 × 3 कर लेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 180। और 180 और 80 को अगर हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 260। तो हम ये आंसर बता सकते हैं आसानी से, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डबल स्टैंडर्ड DNA। तो डबल स्टैंडर्ड DNA में टोटल जो बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, 260 होंगे, अगर 40 पेयर 80 के हैं और 60 पेयर कितने हैं, GC के हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ए न्यूली डिस्कवर्ड स्ट्रेन ऑफ साइनोफेज वाज एनालाइज्ड एंड फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन। हमने कोई भी एक साइनोफेज का न्यूली डिस्कवर्ड जेनेटिक मटेरियल लिया जिसमें कि एडेनिन जो थे वो 10% है, ग्वानिन जो है वो 30% है, थायमिन 80% है और साइटोसिन जो है वो 5% है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये सारे के सारे अलग अलग हैं, कोई भी पेयर नहीं कर रहा है, जबकि एडेनिन हमेशा बराबर होता है किसके, थायमिन के। तो थायमिन भी 10% होना चाहिए था, जबकि ग्वानिन 30% होता है तो साइटोसिन भी 30% होना चाहिए था। तो ये चागोफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड DNA तो हो नहीं सकता, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड DNA में प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू प्रिमिडिन होते हैं जो कि नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है, ये डबल स्टैंडर्ड RNA भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी प्यूरिन और प्रिमिडिन के बराबर होते हैं और सर्कुलर में भी प्यूरिन और प्रिमिडिन बराबर होते हैं। तो इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड DNA, क्योंकि ये चागोफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।